आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी? इट इज अ वे टू एक्सप्रेस ईच फिजिकल क्वांटिटी विद सम फिक्स्ड सिंबल एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अगेन, this is a way to write down all physical quantities with some fixed symbols or specific symbols, and those symbols must be enclosed in square brackets. What about the dimension of physical quantity? This will give you give us the nature of a quantity. मैंने आपको बताया कि इन डायमेंशन ऑल फिजिकल क्वांटिटीज मीन ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड विद सम फिक्स्ड सिंबल्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल, द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज कैपिटल एल इनक्लोज्ड इन दिस square bracket. Dimension of mass is capital M. Dimension of time is capital T. Dimension of temperature इसके लिए हम capital theta use करते हैं। डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इज कैपिटल थीटा। डायमेंशन ऑफ बेसिकली अभी हम डायमेंशन लिख रहे हैं हमारी जो ऑल बेसिक्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन। तो एक और जो फिजिकल क्वांटिटी है जो बेसिक क्वांटिटीज में आती है वो है इलेक्ट्रिक करंट। डायमेंशन ऑफ करंट इज कैपिटल आई इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। फिर आ जाएं डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एन कैपिटल एन। एंड देन द डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज जे। These are some dimensions, and these are the dimensions of all basic quantities. The dimension of all basic quantities are dimension of length is L,
dimension of mass is capital M in square bracket, dimension of time is capital T, dimension of temperature is capital theta, dimension of electric current is I, dimension of amount of substance is N, and dimension of luminous intensity is J. So these are 7 basic dimensions. When we write another quantity, mean a derived quantity, in terms of these basic dimensions, then the analysis is called dimensional analysis. और जो equation बनती है फिर वो dimensional equation होती है, और वही जो dimensional equation है वो उस derived quantity की dimension होती है. Example, dimension of फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं स्पीड, इसको हम कह सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशन. फॉर स्पीड क्या होगी ये हमने देखना है, और आपको पता है स्पीड जो होती है that is distance divided by time, that is distance divided by time. सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ये त्रिकाकार होगा या यूनिट लिखेंगे. स्पीड की यूनिट है, यूनिट लिखेंगे सबसे पहले, पहला काम होगा यूनिट लिखना, और वो यूनिट है मीटर पर सेकेंड. इस यूनिट को आप लिखेंगे न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को उठा के न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो अगेन ये बन गई मीटर पर सेकेंड. नाउ मीटर इज द डायमेंशन, इज द यूनिट ऑफ लेंथ, सो इट्स डायमेंशन इज कैपिटल एल, एंड सेकेंड is the unit of time, so its dimension is, its dimension is, its dimension is kya banegi meter, jo ke length ki dimension hai capital L, aur time ke liye capital T, aur T ki power minus 1, to dimension ban gayi L T minus. This is the dimension of speed. Now हम किसी और क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं. Let we find the dimension of force. Force की डायमेंशन हम कैलकुलेट करते हैं. And once again, steps are same. Steps are, first thing is formula or unit. Directly unit, अगर आपको basic unit आती हो तो ठीक है, otherwise formula लिखिए. Dimension derive करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, फॉर्मूला लिखेंगे. तो द फॉर्मूला इज एफ इज इक्वल टू एम ए. नाउ इट्स यूनिट. सेकेंड थिंग इज यूनिट इज फॉर एफ इज के जी, सॉरी एम इज के जी, ए इज मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. न्यूटन को आपने या तो कन्वर्ट करना था बेसिक यूनिट्स में, या इसी फार्मूले से आप डायरेक्ट फार्मूला लिख लें, तो क्या बनेगा, फॉर मास इज के जी, फॉर एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो द यूनिट ऑफ
फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द लास्ट थिंग इज डायमेंशन. द डायमेंशन इज अगेन द सेम फॉर केजी. केजी इज द यूनिट ऑफ मेस. मीटर द यूनिट ऑफ लेंथ. एल एम M is not for meter, capital M for mass, and T minus 2. That the dimension of force is LMT minus 2. Assignment for you people. Is what is the assignment? This is your assignment regarding to the dimensions. Find the dimensions of dimension of density. Density acceleration work work and वर्क एंड पावर. तो ये आपकी असाइनमेंट है रिगार्डिंग टू द डायमेंशन. अभी कुछ टर्म्स हैं जो डायमेंशंस के केस में यूज होती हैं. वो टर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे. वो टर्म जो कि डायमेंशंस के केस में यूज होती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन जो है आपको देती क्या है, नेचर, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. क्वालिटेटिव क्वालिटी क्या है उसकी. ओके, अब इसमें कुछ टर्म जो कि डायमेंशन के साथ यूज होती हैं. एक डायमेंशनल वेरिएबल वेरिएबल्स ये वो क्वांटिटीज होंगी जिनका मैग्नीट्यूड और वो क्वांटिटीज होंगी जिनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो वेरिएबल होगा. मीन जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होगा. वेरिएबल्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज in different problem. Examples. Examples की अगर हम बात करें तो dimensional variables कौन से होंगे. Example force, speed, acceleration, etc. हमारे पास आगे डायमेंशनल वेरिएबल. फिर हैं
डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट इनकी वैल्यू डिफरेंट अंडर ऑल कंडीशन जो है वो सेम होती है, बट इनकी डायमेंशन होती है, यानी इनकी यूनिट होती है। डायमेंशनल कांस्टेंट द कांस्टेंट having some unit but there is same under all conditions. For example, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कूलम्ब कांस्टेंट के, प्लैंक कांस्टेंट एच एंड सो ऑन। एग्जांपल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट Planck constant, and Coulomb constant, etc. And Coulomb's constant. फिर आप आ जाएं डायमेंशन लेस वेरिएबल, तो नाम से पता चल रहा है इनकी कोई यूनिट नहीं होगी, बट डिफरेंट प्रॉब्लम के अंदर इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी। नो यूनिट बट वैल्यू इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स। These are dimensionless variables. For example, plane angle, solid angle. Examples. Plane angle, solid angle, plane angle, solid angle. Volumetric strain, linear strain, etc. या simply strain लिख लेते हैं, etc. etc. These are the examples of dimensionless variables. और आपको पता है कि ये जिन quantities का मैंने नाम लिया, इनकी value डिफरेंट होती है अंडर डिफरेंट कंडीशन। अब ऐसे आखिरी जो क्वांटिटी है डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, अब इनकी वैल्यू डिफरेंट जगहों पे है भी सेम और इनकी यूनिट भी नहीं है। हैविंग नो यूनिट,
यूनिट एंड वैल्यू इज सेम अंडर सेम कंडीशन, सेम इज सेम एवरीवेयर. एग्जाम्पल्स, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है इसकी नंबर पाई, बर पाई पाई 3.142 रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर, हैज नो यूनिट, simply numbers. etc. are the dimensionless constant. So ये वो terms हैं जो dimensions में use होंगी. अब question ये है, अभी जो बात आ रही है वो है कि use क्या है dimensions में, use of dimension. Use of dimension को हम कैसे use करेंगे, ये question है और इस question को हम tackle करते हैं. Use of dimension. First use is ये आपको बताता है कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है. एन इक्वेशन ये आपको बताएगा डायमेंशन, अगर आप कैलकुलेट कर दें ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हमारा फार्मूला या इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है. एग्जांपल, करेक्टनेस बताता है या होमोजेनिटी, यह बताता है कि क्या इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं, ये दो चीजें बताता है. इससे आपको पहली दो बातें जो पता चलती हैं कि वेदर योर इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, वेदर योर इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट, डायमेंशनली होमोजीनियस और नॉट. तो लिसन, एन इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ द डायमेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू the dimension of the right hand side of the equation, and jab aisa hoga to equation correct bhi hogi. An equation is said to be homogeneous if dimension on its left hand side equal to dimension on its right hand side. And remember, only those quantities can be added or subtracted if they have same unit or dimension. Second thing, hum sirf unhi quantities ko add ya subtract kar sakenge jinki dimension jo hogi wo same hogi, otherwise quantities ko add or subtract nahi kar sakte. Ye jo abhi baat likhi hai iski example,
prove that E equal to M C square is dimensionally correct, is correct. ये भी आ सकता है, prove that E is equal to M C square is homogeneous, is dimensionally correct or homogeneous. तो दोनों साइड की आप क्या करेंगे, डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे. सॉल्यूशन डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हम कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले लिखेंगे हम उसका फार्मूला, फार्मूला दैट इज मीन यूनिट, हम यूनिट लिखेंगे उसकी, और वो है एनर्जी विच इज जाउल, विच इज न्यूटन इनटू मीटर, विच इज न्यूटन इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और ये वाला पहले वाला मीटर, तो ओवरऑल यूनिट बन गई केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू. तो ये है यूनिट किसकी, डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एंड इट्स डायमेंशन इज किलोग्राम के लिए मास, एम लेंथ के लिए, एम मीटर के लिए एल, सो एल किलोग्राम, मास के लिए एम, और टाइम के लिए टी, बट टी पावर माइनस टू, एंड लेंथ इज टू. सो द डायमेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज, दिस इज आवर इक्वेशन वन, डायमेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज एल टू एम टी माइनस टू. Now, right hand side, right hand side is MC square, unit M for kg, kg, C square meter per second square. This is equal to kg meter square second minus 2. Meter square second so dimension is l to m t minus 2. This is our equation 2. Look at equation 1 and 2. Equation 1 and 2, dimension
are both sides are same. So the equation from 1 and 2 to we can say that E is equal to mc square is dimensionally correct. This is what about the dimensions of physical quantities. इसी तरह कोई और फार्मूला आप लेके उसकी आप करेक्टनेस चेक करेंगे. ये आपकी असाइनमेंट है. असाइनमेंट में लिखने जा रहा हूं. असाइनमेंट इज मैं असाइनमेंट लिख रहा हूं आपके लिए. प्रूव दैट F is equal to 6 pi r eta v is dimensionally correct. यहाँ पर ईटा जो है विस्कोसिटी है. तो विस्कोसिटी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और फिजिक्स वाला भी आपको बता देगा. इसकी डायमेंशन बुक से आपने तलाश करनी. इसकी डायमेंशन बुक में गिवन होगी या इसकी यूनिट गिवन होगी. इसकी यूनिट से ही जो अभी हमने किया था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन आपने कर सकते हो. तो यहाँ पे आज हम इस लेक्चर का एंड करते हैं. अब हमारी एक चीज रह गई है कि हम डायमेंशन को यूज करके या डायमेंशन एनालिसिस के बेस पे फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं. किसी भी फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं. तो वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में सीखेंगे हाउ टू ड्राइव अ फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. बाकी आपका चैप्टर एंड हो चुका है. जब आप मंडे को वापस आएंगे तो नोट कीजिएगा जो है ऑल जो एग्जांपल्स इस चैप्टर के अंदर सॉल्व एग्जांपल्स हैं डिफरेंट केसेस में. मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटीज के केस में, एडिशन ऑफ क्वांटिटीज के केस में, पावर के केस में, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के केस में, एवरेज वैल्यू के केस में, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड, साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड, वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिटन फॉर्म में आपने उनको कम्प्लीट करना है. जब कम्प्लीट हो जाएगा, जब आपकी सारी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगी, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगी मेरे पर्सनल नंबर पर. इस तरह गूगल क्लासरूम में भी आप अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि आप अक्सर लोग करते ही नहीं हो.